गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम मैथमेटिक्स में काउंटिंग सीखेंगे। जी हाँ, क्या सीखेंगे हम? काउंटिंग, दैट्स टू वन टू 1000। बहुत बड़ा नंबर हो गया, टेंशन आ गई? नो प्रॉब्लम, यहाँ पर बड़ा नंबर लग रहा है बट इट इज क्वाइट इजी टू लर्न। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो काउंटिंग हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी मतलब 1 to 100, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50। ये हो गई हमारी काउंटिंग अंटिल 50। इसके बाद की काउंटिंग और पढ़ लेते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60। आप लोग मेरे साथ बोल रहे हैं ना? वेरी गुड। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and the last one, 100। तो ये तो हो गई हमारी 1 to 100 काउंटिंग। अब इसके आगे की काउंटिंग को हम कैसे लर्न करेंगे या फिर कैसे सीखेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जो बेसिक नंबर्स हैं 1 to 100, उनके अलावा जिन नंबर्स का यूज होगा उसको देख लेते हैं एक बार। और वो नंबर्स हैं हमारे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000। अब आप कहेंगे मैम आपने ये क्यों लिखा हुआ है, अभी हमने देखे 1 to 100 काउंटिंग्स, ठीक है, और हमारे जो नंबर्स हैं 1 to 1000, उसमें हर 100 के बाद एक डिजिट 100 प्लेस पर बढ़ जाती है, इसीलिए 100 के 100 प्लेस पर हमने बढ़ाया 1 तो हो गया 200, 200 के 100 प्लेस पर बढ़ाया 300, सिमिलरली 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1000, 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10, तो इसीलिए हम इसको 1000 या फिर 1000 भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर हमने देखा था वो था 100, तो 100 तक तो हमने काउंटिंग रिवाइज कर ली थी। अब आता है स्टार्टिंग से 101, क्या करेंगे हम, 101, 102, 103, 104, मतलब इन सारे नंबर्स जो भी हमने लर्न किए हैं अप टू 100, उनके आगे हम 100 लगा देंगे तो नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, लाइक 126, 137, 142, 148, ठीक है। इसके बाद अगर हम लेते हैं 200 की डिजिट तो 201, 202, 203, 204,
205। सिंपल, ऐसे ही किसी भी डिजिट के आगे, किसी भी नंबर के आगे अगर हम 200 का नंबर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, 215, 216, 234, 229। बट उसको लिखना कैसे है वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद आता है 300, 331, 327, 319, 312, 349, ठीक है ना। अब बात करते हैं 400 की, 454, 459, आगे चलते हैं 461, 467, 479, सिमिलरली 500, 574, 568। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 99 तक तो हमारे नंबर्स वही होंगे जो हम बोलते जा रहे हैं, लाइक 591, 592, 593, 597, 598, 599। लेकिन 599 आते ही नंबर जो 100 प्लेस पर है वो चेंज हो जाएगा और 599 के बाद क्या आता है, 600 आता है। क्या आता है, 600। सिमिलरली 699 के बाद आता है 700, 799 के बाद आता है बताइए क्या आएगा, 800, 899 के बाद आएगा 900, 999 के बाद क्या आएगा, 1000, मतलब कि 1000, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को लिखते कैसे हैं। ये तो हमारा ओरल वर्क हो गया, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हमको लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था जितने भी हमारे नंबर्स थे 1 to 99, मतलब 1 से लेके 99 तक, ये हमारे क्या है, सिंगल डिजिट या फिर 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। और जो हमारे हंड्रेड्स की वैल्यू के होते हैं वो होते हैं हमारे 3 डिजिट नंबर, राइट। 100 तीन डिजिट है, 300 तीन डिजिट है, 400 तीन डिजिट है, 700 तीन डिजिट है। तो जो हमारे नंबर्स हैं उनमें हमें क्या करना है, सपोज हमें लिखना है 107, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे 107, नहीं। अगर एक डिजिट है तो लास्ट प्लेस पर हम 7 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट है तो लास्ट 2 प्लेसेस पर लिख देंगे 117। सिमिलरली 319 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 319, इट मींस कि 0 की जगह पर हम वो नंबर लिख देंगे। अगर सिंगल डिजिट है तो लास्ट वाला 0 हटाएंगे और डबल डिजिट है तो दोनों ही 0 हटा देंगे। आगे चलते हैं 418 को देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 418 लिखेंगे, ना कि 418। ये रॉन्ग है, ये हमारा बन गया 5 डिजिट का नंबर, जबकि 100 वाली जो नंबर्स होते हैं वो केवल हमारे 3 डिजिट के होते हैं, 3 डिजिट्स के। तो 418। आगे देखते हैं 728 अगर लिखना है तो क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे 728, क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है और दोनों 0 हमको हटाने हैं। सपोज करिए हमें सिंगल डिजिट का नंबर लेना है 807, तो हमें सिंगल डिजिट में पीछे वाला नंबर हटा देना है केवल, तो 807। धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे आपको इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी काउंटिंग आप लर्न करिए और अपनी रफ कॉपी पर लिखने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।